नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सब्जी मंडी का है, जहां सीएम फ्लाइंग खुफिया विभाग और फूड सेफ्टी विभाग ने पनीर की दुकान पर छापेमारी की। खुफिया विभाग की सूचना मिली थी कि यहां पर नकली पनीर बेचा जाता है। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई अमल में लाई गई। डॉक्टर सचिन की माने तो सूचना के आधार पर उन्होंने सीएम फ्लाइंग और खुफिया विभाग के साथ मिलकर छापेमारी की है। उन्होंने यहां से 210 किलोग्राम पनीर बरामद किया है, जिसे जांच के लिए चंडीगढ़ प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता विकास अहलियान की रिपोर्ट। छापेमारी की गई है सीएम फ्लाइंग के द्वारा, क्या करना? वहाँ सीएम फ्लाइंग, सीआईडी और फूड डिपार्टमेंट की तरफ से संयुक्त रेड है यहाँ पर बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के अंदर, जहाँ पर हमें लगभग 210 किलो पनीर के आसपास यहाँ पे बरामद हुआ है, जिसके हमने दो अलग अलग जो डब्बों में रखे हुए थे पनीर, दोनों के सैंपल हमने ले लिए, जिसके लिए अब चंडीगढ़ इनको भेजा जाएगा। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इन पर कार्रवाई करेंगे। जिस तरह की रिपोर्ट होगी उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई होगी। किस तरह का नकली पनीर मिला है, किस तरह का, ये तो हम लैब के बाद ही बता पाएंगे। लैब की जांच में जो जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं किसी भी पनीर को जांच करने के, उसी के अनुसार हम बता पाएंगे कि पनीर किस तरह बना हुआ है और क्या क्या इसमें वो है। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये नकली है असली है, सारी चीज़ें रिपोर्ट्स के बाद ही क्लियर होंगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।